हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है हरे मटर की कचौड़ियाँ। हरे मटर की कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं और मटर का सीज़न हो तो इन्हें ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आपने अब तक नहीं बनाया है तो आप प्लीज़ बना के ट्राई कीजिए। और इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जिससे आपकी कचौड़ियाँ एकदम फूली और एकदम खस्ता बने, जैसे हमें मार्केट में मिल जाती है, जो हम सुबह सुबह खाते हैं और बोलते हैं वाह क्या खस्ते थे, तो उसी टाइप की खस्ता कचौड़ी आज हम बनाने वाले हैं फ्रेश ग्रीन मटर से। तो चलिए हम देखते हैं रेसिपी। और सबसे पहले हम इसका तैयार कर लेते हैं डो। तो डो तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है मैदा और मैं इसमें डाल देती हूँ सॉल्ट। और अब मैं इसमें मोयन के लिए डाल देती हूँ ऑयल। आप घी का यूज भी कर सकते हैं पर मैं ऑयल का यूज कर रही हूँ। घी ऑयल में से किसी भी चीज का आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ऑयल सॉल्ट सब चीजें अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। तो पहले हम इन्हें सूखे हाथों से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकना सा एकदम सॉफ्ट बढ़िया डो हमारा बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम ढक के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। एंड उसी बीच में हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे ढक के रख दे रही हूँ। तो ये मिक्सर है, मैं इसमें ये फ्रेश मटर है, आप फ्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं पर फ्रोजन से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, फ्रेश मटर की बात ही अलग होती है। तो इस मटर को मैं पीस लूँगी। तो ये मटर बिल्कुल हमारे पिस गई है, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है। तो आप बीच बीच में इसे स्पून से ऐसे ऐसे करके पीस लीजिए। तो अब चलिए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, 2 से 3 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें, जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी सौंफ। कचौड़ियों में सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक, इसका फ्लेवर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन सब को हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, आधी छोटी चम्मच, साथ में ये थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली, थोड़ा सा गरम मसाला और ये धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल दे रही हूँ। और अब मैं इसमें ये जो मैंने ग्राइंड करके पीस का पेस्ट बनाया हुआ है इसको डाल दे रही हूँ, मटर का पेस्ट। थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, आप पीसते हुए भी सॉल्ट डाल सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सॉल्ट मिला देंगे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको हम सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे ताकि ये जो पीसा है, देखिए आपको गीला गीला सा दिख रहा है ना, तो ये हमें तब तक भूनना है जब ये थोड़ा सूख जाए। बिकॉज अगर हम ऐसे गीले में कचौड़ियाँ बनाएंगे तो फट जाएगी और बनी नहीं पाएगी। तो इसे हम इस तरीके से भूनेंगे ताकि ये पूरा इसका मॉइस्चर जो है वो चला जाए। तो हमारा मसाला तो तैयार हो रहा है कचौड़ियों का, पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कचौड़ियाँ तो मूंग की बनती हैं, आलू की बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ों की बनती है, पर आपको कौन सी कचौड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे कॉमेंट करके बताइए। एंड चलिए देखते हैं, हमारा ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है। और बेस्ट पार्ट क्या है इन कचौड़ियों की, आप इनको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, जैसे आप ट्रेन वगैरह से कहीं दूर जा रहे हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी विदाउट फ्रिज भी, बिकॉज हमने इसमें वाटर ऐड नहीं किया है तो इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है। तो इसीलिए ये देखिए, भून के हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है, हमें इतना ही भूनना है, हमें इससे ज़्यादा एकदम बिल्कुल भी एकदम ड्राई नहीं कर लेना है। तो ये परफेक्ट भुन चुका है अभी, तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसकी स्टफिंग करेंगे। और अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है तो हम कचौड़ियों को स्टफ कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ आटा भी बिल्कुल सेट हो गया है, स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे इस तरीके से। कचौड़ियों के लिए हम इनको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, तो इतने बड़े तो एटलीस्ट बना लेंगे हम इस साइज के। तो ये देखिए, ऐसे दोनों हाथों से हम करेंगे ताकि ये बिल्कुल चिकना बन जाए, इसमें बिल्कुल भी कोई लाइन नहीं होनी चाहिए बिकॉज उसकी वजह से कचौड़ियाँ फट सकती हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसे इस तरीके से बेल लेंगे थोड़ा छोटा सा। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे मटर की, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, और इसे ऐसे सील कर देंगे, ये देखिए। और ये कहीं से भी फटी नहीं होनी चाहिए वरना फट जाएगी कचौड़ी। तो इस तरीके से इसे सील कर देंगे, इसे हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे। अगर आप चाहें तो हल्का बेलन का यूज़ कर लीजिए इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, इसको हमें बहुत पतला नहीं करना है बिकॉज हमें बिल्कुल बढ़िया वाला खस्ता चाहिए, तो इसे बहुत पतला नहीं हम करेंगे। तो ऐसे ही हम अपनी सारी कचौड़ियों की स्टफिंग कर लेंगे।
तो ये हमारी कचौड़ियाँ बन के बिल्कुल तैयार हैं, सब स्टफ हो गई हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया है जो गर्म हो रहा है। हमको ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, फिर फ्लेम को स्लो करना है, फिर कचौड़ियों को डालना है और कचौड़ियों को एकदम स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें कचौड़ियाँ डाल देती हूँ केयरफुली। तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना है, एक या दो कचौड़ियाँ, जितनी कढ़ाई में जगह हो उतना ही डालना है। तो मैं तीन डाल दे रही हूँ और अब मैंने डाल दिया है, तो मैं फ्लेम को एकदम स्लो कर दे रही हूँ और इसे धीमी आंच पे पकना है, क्योंकि बिकॉज ये मोटी होती है और खस्ता बनाना है तो इसे स्लो फ्लेम पे पकना चाहिए और ये फूलनी चाहिए, अंदर से बिल्कुल पकनी चाहिए, तो इसे स्लो फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ कितने अच्छे से फूल गई हैं। मैंने पहले तीन डाली थी, फिर मुझे लगा कि मैं इसमें थोड़ी और कचौड़ियाँ डाल सकती हूँ, तो मैंने थोड़ी और डाल दी थी। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे स्लो फ्लेम में करना होता है। तो मैंने बाद में थोड़ी सी और कचौड़ियाँ डाल दी थी जो मैंने थोड़ी छोटी बनाई थी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से, तो ये रेडी हो गई है बिकॉज मैंने इसे पहले डाला था। ये देखिए कितनी फूली, कितनी बढ़िया बनी है। ये जो पकती जा रही है मैं उनको निकालते जाऊंगी और दूसरी डालते चली जाऊंगी। तो आपको इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ फ्राई कर लेना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मुझे बताइए कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया कि नहीं, और ट्राई किया तो आपको कैसी लगी। तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो वो बेल बटन होती है उसे प्रेस कीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी। बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं मिली आपकी न्यू वीडियो की, तो उसे मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।